नमस्कार दोस्तों, मेरा ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का ब्लॉग है चिकन रेसिपी ब्लॉग। मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, इसको छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगा। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ही है, तो आप ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया है, इसको छील के 2 पीस में काट लूँगी। ऐसे ही 2 पीस कर लूँगी। मैं यहाँ पे 3 लहसुन लिया है, लहसुन को छील लूँगी।
और दो टमाटर लिया है, एक एक टमाटर को चार पीस में काट लूँगी। यहाँ पे चार अनियन लिया है, इसको छील के चॉपेस्ट कर लूँगी। अब कटी हुए सारी मसाले को हम पीस लेंगे। पहले अदरक को पीस लेंगे। अब लहसुन को पीस लूँगी।
दो चम्मच जीरा लिया है, इसको भी अच्छी तरह पीस लूंगी। अब आधे प्याज को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी और आधे प्याज को मैं ऐसे ही चॉपिस्ट करके साइड में रख दूँगी। मैंने यहाँ पे 7-8 हरी मिर्च लिया है, इसको भी अच्छी तरह पीस लूँगी। मैं यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है, इसको मैं मसालों से अच्छी तरह मैरिनेट कर लूँगी। दो चम्मच नमक, जीरा पेस्ट, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट और ऑनियन पेस्ट से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। दो चम्मच हल्दी पाउडर दे दूँगी। उसके बाद थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूँगी। चिकन को हाथों से अच्छी तरह मिक्स्ड करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब मैं मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में दे दूंगी।
आलू को लाल करके फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुकी है, इसको मैं उठा लूंगी। अब कटे हुए प्याज को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन को इसमें दे दूंगी। इसमें दे दूंगी पेस्ट किया हुआ हरी मिर्च। कटे हुए दो टमाटर, रेड चिली पाउडर, अब मैं चिकन को अच्छी तरह भून लूंगी। थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी।
फ्राई किया हुआ आलू को ऐड कर दूंगी। मेरा एक कुकिंग चैनल है जिसका नाम है सृजनी किचन WB। आप चाहो तो उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चैनल का स्पेलिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चिकन को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें 2 मग पानी ऐड कर दूंगी। चिकन को अब 20 मिनट के लिए कुकिंग होने देंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना। दोस्तों, चिकन बनके तैयार हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले दिन।